question number 20th from the same exercise. Question is, prove that sine x minus sine 3x over मेरे पास हो गए sin square x minus cos square x that is equals to 2 sin x. ओके, मुझे ये प्रूफ करना है. तो बेटा मैं सबसे पहले क्या करूंगी, यहाँ पर क्लियर कट है, ऊपर देखो sin c minus sin d यानी s minus s 2 सी एस लगेगा. बट अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ नहीं होता. हाँ, मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कॉस 2x होता है, यानी नेगेटिव कॉमन ले लूं यहाँ से. तो मेरे पास बेटा ये क्या बना, 2 sin cos c + d/2. तो जब c प्लस डी बाई टू हुआ तो 4x बाय 2, तो क्या हुआ, ये 2x हुआ बेटा मेरे पास, हुआ ना. तो अब मैं क्या करूंगी, आगे यहाँ पर मेरे पास हो गए, इफ आई सी हियर, तो मेरे पास बेटा नेक्स्ट आएगा साइन c माइनस डी यानी x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2x बाय 2, तो ये माइनस x हो गया. ओके जी, ओवर मेरे पास क्या बन गया, ये माइनस कॉस 2x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया वो बाहर आ गया और इसकी जगह पे कॉस 2x. अब बेटा 2 cos 2x, अच्छा चलो कॉस कॉस काट ही देते. अब 2 sin - थीटा, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है x, ओवर माइनस, माइनस और माइनस कैंसल, आंसर इज 2 sin, इट इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस में लिखे जो. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन. चलो बेटा आगे मैं, किसी की और डाउट कोई, तो मेरे पास हो गए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 23 करने लगी है, क्योंकि 21, 22 कल मैंने डिस्कस कर दिया था. तो 23 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, बट एक बार फिर करवा देती हूँ, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था और दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन, और आपको एक बार क्लियर हो जाएगा दोबारा. तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, जब मैं क्वेश्चन नंबर 23 कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है. देखिए यहाँ पर tan 4x को मैंने प्रूव करना है, दैट इज 4 tan x इंटू 1 - tan² x ओवर मेरे पास जो है 1 - 6 tan² x प्लस tan⁴x. यही प्रूफ करना है हमें. तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने कल भी बताया था, या तो आप इसको ऐसे लेफ्ट करो, पहले ऐसे ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद आप लेफ्ट कर लो कि 2x जो है वो थीटा है, तो उसके बाद tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये tan 2 थीटा बन गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास 2 tan थीटा ओवर 1 - tan² थीटा. अब थीटा क्या हमने लेट किया हुआ, 2x, यानी इसको रिप्लेस कीजिए, tan 2x हो गया, 2 tan 2x ओवर 1 - tan, ये जो स्क्वायर है मैंने आपको कल भी बताया था, ये पावर में आ जाता है ऐसे, उसे हमें कैलकुलेशंस करनी इजी होता है. ओके जी, अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगाइए और यहाँ पर भी फिर फॉर्मूला लगाइए, तो क्या आ जाएगा, 2 पहले ही लगा था, 2 tan x ओवर 1 - tan² x, ये ऊपर वाली प्लेस में होगा. अब डिनोमिनेटर में लगाइए मेरे पास, ओवर 1 - सारे फॉर्मूले का स्क्वायर आ गया,
सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पर, तो क्या होगा, टू टैन एक्स ओवर वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स। अब बेटा क्या करेंगे यहाँ पर, ऊपर ओपन करें तो मेरे पास फोर टैन एक्स ओवर क्या बना, वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स, यही बना ना बेटा। अब डिनोमिनेटर में देखिए, यहां पर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैंने बेटा वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, लेट मी शो यू प्रॉपरली, देखिए अब कैलकुलेशंस करती हूँ ताकि आपको, अब जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगी तो ये चीज इधर भी आ जाएगी, तो वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर टैन स्क्वायर एक्स। यहां तक किसी स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस लेवल। चलिए बेटा आगे, ठीक है जी। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मेरे पास, इस स्टेप को अब मैं करने लगूं, देखिए ये वन टाइम है, ये टू टाइम्स है बेटा, आपको पता है नीचे नीचे वाली टर्म कट जाती है ना, नहीं तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे ये ऊपर ही जाएगी ना, तो मेरे पास यहाँ पर टर्म क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पर कर दूँ, देखिए वॉट आई विल गेट हेयर, मेरे पास हो गया फ्रॉम हेयर, मेरे पास टू गए आई विल गेट फोर टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ओके, इनटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओवर। अब ये वाली टर्म आनी है ना बेटा, यहां पर मैं स्क्वायर भी ओपन करने लगी हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए तो वन नहीं है लिखने की जरूरत ही नहीं, ओके जी। अब ये टर्म एक और ये एक से कट गया, अब मेरे पास क्या लेफ्ट ओवर टर्म है, फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स मेरे पास, और यहां पर जो गए चेक करना बेटा, हमने यहाँ फोर था मैंने टू लिख दिया, टू वाली टर्म एक सेकेंड, ये स्केयर वाली और ये टर्म लिखी नहीं थी लास्ट वाले, देखिए मुझे कैसे पता चला कोई टर्म रह गई है, क्योंकि मेरा सिक्स बन नहीं रहा, तो मुझे लगा कि मैंने प्रूफ करने के लिए कुछ छोड़ दिया, ये वाली टर्म हमने लिखी नहीं थी यहाँ पर, देखिए ये वाली टर्म, क्योंकि इसका होल स्केयर खोल दिया और ये वाली टर्म वी हैव मिस्ड, ठीक है जी, तो मैंने वो सारी लिख दी। अब ये एज इट इज बचा नीचे वन प्लस टेन फोर एक्स और ये माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स टेन स्केयर, और यही प्रूफ करना था, ओके बेटा, एनी डाउट टू एनी वन, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, आगे चले बेटा, ठीक है, वी विल मूव टूवर्ड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, ठीक है, जब मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए थे तो मैंने तभी आपको करवाया था, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैम डू इट अगेन तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी कि मैम प्लीज डू इट अगेन, ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए आगे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए प्रूव दैट कॉस 6x इज इक्वल टू 32 कॉस 6x माइनस जो है 48 कॉस पावर 4x और मेरे पास प्लस जो है 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब बेटा क्या करेंगे यहाँ पर,
मैंने आगे भी थोड़ा सा हिंट दिया था इस क्वेश्चन का, आपकी मर्जी, आप दो मेथड से कर सकते हो, आप cos 6x को या तो 2 × 3x लिख सकते हो या 3 × 2x कर सकते हो, ये टोटली आप पे है, जैसे आपका दिल करता है। चलो हम ये लिख के कर ले। अब जब हमने ये लिखा, इसको ब्रेक किया ऐसे, ये पूरा थीटा हो गया cos 2θ। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं उसको, तो 3-4 फॉर्मूले हैं, सारा आंसर cos में, तो cos वाला ही लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos 2θ का फॉर्मूला 2 cos² θ - 1 होता है, लेकिन थीटा की जगह पे 3x आएगा, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 cos²(3x - 1). अब क्या करें बेटा, cos 3θ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, cos 3θ का 4 cos³θ माइनस जो है 3 cos θ। हम बोलते थीटा लिखते x से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ अप्लाई करें। अब इस सब का स्केयर हो जाना है, क्योंकि cos²(3x) है, cos²(3x) मतलब ऐसे स्केयर हो जाता है, यही बच्चों को समझ नहीं आता। ओके बेटा, तो अब मेरे पास 2 4 cos³(-3 cos²(-1). अब यहाँ होल स्केयर की लगाई, a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 a और साथ में b और माइनस 1 है, ये ब्रैकेट क्लोज हो। सबको सॉल्व कर लो बेटा एंड यू विल गेट द आंसर जो हमने प्रूफ करना। ये तो आपको पता है ना, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 6 बन जाएगा। देखो ये 16 बना, 16 × 2 = 32। देखो आंसर मैच ही कर रहा है आपके सामने, क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क, कोई डाउट बेटा? चले आगे। अब नया कॉन्सेप्ट हमने जो है करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यस जी रितेश, यस बेटा, यस जी रितेश बोलिए बेटा। हाँ जी रितेश बेटा, देखिए मैंने 6x को ब्रेक किया, 6 को लिख सकती हो 2 × 3x, ठीक है? आपने 3x को थीटा मान लीजिए, तो cos 2θ का फॉर्मूला होता है 2 cos θ, थीटा 3x था ना, तो थीटा की जगह 3x लिख दिया, स्क्वायर माइनस 1। अब ये cos 3θ स्क्वायर, स्क्वायर बाद लिख दिया cos 3θ का, मैंने ये फॉर्मूला लगा दी, उसके बाद तो आइडेंटिटी लगानी है ना। अब तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म, अब अलजेब्रा का काम शुरू है। मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस 1 साथ ही आए। अभी सबकी कैलकुलेशन करनी। ओके जी वितेश, किसी और को बेटा कोई डाउट? चलिए आगे बेटा। चलिए आज जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक ना हमने प्रूफ वाले क्वेश्चंस किए, मतलब आपको सिर्फ प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, है ना? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे, कि अगर कोई अननोन वेरिएबल गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में तो उसको सॉल्व कैसे करें बेटा। उसके लिए जो है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। हम किसी भी इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कब कहते हैं? सबसे पहला ये बात है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहने के लिए कि ऐसी इक्वेशंस
जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो, एन इक्वेशन विच कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू ए, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना सीखें। यहां पर हर एक इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा अब आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो मैंने आपको जैसे बताया था कॉम्प्लेक्स चैप्टर में भी कि अगर साइन की वैल्यू जो गए मान लीजिए जीरो है, तो तब मैंने आपको कहा था कि ना एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होती, वो रिपीट करती रहती है। और मैंने आपको ग्राफ से भी बताया था, और तब मैंने आपको ये बताया था कि जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स वो रिपीट करते हैं आफ्टर टू पाई, इसीलिए साइन और कॉस की पीरियोडिसिटी टू पाई है, और टैन एक्स रिपीट करता है आफ्टर पाई, तो इसीलिए जो हमारे पास जो है टैन एक्स की पीरियोडिसिटी पाई होती है। अब जब भी हम किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, अगर वो उसका आंसर जीरो से लेकर टू पाई के बीच में आता है, जीरो से लेकर टू पाई के बीच में जीरो आ सकता है और टू पाई से कम आता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके जी, अगर आपको कहा गया ना कि फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो मतलब आपने टू पाई से ज्यादा वाला आंसर कोई नहीं देना। लेकिन अगर आपको कहा गया है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन में एन इंटीजर इन्वॉल्व होता है, मतलब आपको जैसे वो टू एन पाई जिसमें ऐसी टर्म, मतलब एन आना चाहिए, एन एक इंटीजर है आपको पता, वो इन्वॉल्व हो जाता है जनरल। अभी जब आप करोगे तो देन यू कम टू नो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको पता चलेगा प्रिंसिपल में कैसे लिखते हैं, जर्नल में कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि जिस बच्चे को प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं ना आती, वो जर्नल नहीं कैलकुलेट कर सकता। मैं आपको एक चीज बता दूं, तो सबसे पहला काम होता है प्रिंसिपल वैल्यू को पता करना, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पता होगी तो वी विल कम टू यू। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक स्कूल के प्रिंसिपल का जब तक पता नहीं होगा, आपने कोई बात करनी है तो आप किससे करोगे, आप हायर अथॉरिटी से करते हो, और स्कूल का सबसे हायर अथॉरिटी प्रिंसिपल ही होता है। तो सेम इज हियर, अनलेस यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल वैल्यू, आप जनरल आपके लिए प्रॉब्लम है कैलकुलेट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, हर एक स्कूल में ना प्रिंसिपल की प्लेस, मतलब कोई टॉक करनी हो तो हम ना दो पर्सन से कर सकते हैं, किससे किससे, एक प्रिंसिपल मैम से और एक वाइस प्रिंसिपल मैम से, एम आई राइट। ऐसे ही अब अगर हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखा है, पूरे फोर क्वाड्रेंट में से मेरे पास टू ऐसे क्वाड्रेंट होंगे जिसमें वो टी रेशियो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, टू हो गए जिसमें वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब टू में पॉजिटिव टू में नेगेटिव। तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, क्योंकि ये हमारा पूरा क्वाड्रेंट जीरो से टू पाई तक है, हम दोनों की दोनों में से छोटी वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू मान लें। आप दूसरा भी ले लोगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको बताऊंगी कि कैसे, लेट अस सी। ठीक है, जब प्रिंसिपल वैल्यू कहां हो
तो आपने दो आंसर्स देने ही देने, बस ये बात याद रखना। क्यों मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो में पॉजिटिव होती है तो दो में नेगेटिव होती है, तो हमें वो चेक करना होता है। ठीक है, लेट अस डू द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। एग्जाम्पल नंबर 18 हमारे पास दिया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। अगर आप 10th क्लास में होते ना तो आप सीधा लिखते x इज इक्वल टू पाई बाय 3, एम आई राइट? क्योंकि आपको आपने किया ही तब सिर्फ 0 से लेकर 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए आपने कभी गौर ही नहीं किया इस चीज को, ना हम बताते हैं आप, क्योंकि यू डील ओनली विद 0 टू 90 और उसमें सब कुछ पॉजिटिव होता है। बट अच्छा, अब आप मुझे बताइए इसमें से 4 क्वाड्रेंट में से और ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी है, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव होती है? जल्दी, वेरी गुड, गुड सिरत, यस बेटा इट्स योर टर्न टुडे, यस गुड सिरत। मैम सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। अच्छा गुड सिरत, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपने जाना है ना, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो आप क्या लिख सकते हो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके एंगल को पहुंचाने के लिए क्या लिख सकते हो, बता सकते हो कुछ? मैम पाई बाय 2 से प्लस होगा। बेटा अगर आप कहते हो कि मैं पाई बाय 2 से, आपका गलत नहीं है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बता रहे हो मुझे, बट अगर आप कहती हो मैं साइन की जगह पे, अगर आप कह रहे हो कि मैम मैं पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख लूं, बट ये तो कॉस एक्स हो जाता है ना, तो क्या मैं साइन एक्स की जगह ये लिख सकती हूँ? नहीं। अब देखिए गुरसीरत ने जो चीज बताई वो गलत हो गई, मैं इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। अगर आप चाहती हो कि साइन की जगह साइन ही रहे, तो हमेशा या तो पाई से जाया करो या 2 पाई से जाया करो, वो आपने देखना है आपने पीछे जाना है कि आगे जाना है। पीछे जाना है तो पाई माइनस एक्स कर दो, आगे जाना है तो पाई प्लस एक्स कर दो। लेकिन अगर आप कहते कि हमने साइन की जगह पे कॉस, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहां यहां पर भी कॉस होगा, यहां तो कोई फर्क नहीं था, जो आप गुरसीरत बता रहे हैं वो करेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास इधर भी कॉस होता तो आप चाहते साइन का कॉस बना दूं, तो हमेशा वर्टिकल लाइन से एंगल को चेंज करना है, मतलब या पाई बाय 2 प्लस करना है या पाई बाय 2 माइनस करना है या 3 पाई बाय 2 माइनस करना है या 3 पाई बाय 2 प्लस करना है, वो आपने देखना है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जाना है कि नेगेटिव वाले में जाना है। मेरी बात सबको समझ आई? अभी देखना, मेरे को पता मैं साइन का साइन ही रहना चाहती हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल से डील करूंगी, मतलब या पाई से या 2 पाई से, क्योंकि मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, जैसे गुरसीरत ने कहा कि साइन पॉजिटिव होता है, तो अभी सब पाई में से कुछ माइनस ही करूंगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो मैं यहाँ पर क्या इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? एनी चेंज, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, कोई चेंज नहीं होगा। रीजन, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। मेरी बात समझ आई सबको? यानी ये सारा मैंने आपको, हमने पुराना इन्हीं कॉन्सेप्ट के लिए समझाया था, यानी आप अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप लिखोगे साइन एक्स इज इक्वल टू दिस और या एंड ही लेके चलते बेटर, एंड साइन पाई माइनस एक्स इज दिस। जब ये चला तो यहां से मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास यहां पर मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, ऑब्वियस है साइन पाई बाय 3, एम आई राइट, लिख सकती हूँ, तो मेरे पास है क्योंकि 60, तो एक्स आ गया पाई बाय 3। यहां पर अगर मैं लिखूं साइन पाई बाय 3,
तो मेरे पास पाई माइनस एक्स इज पाई बाय थ्री, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस पाई बाय थ्री यानी टू पाई बाय थ्री। अपने आप देखिए, टू पाई बाय थ्री मीन्स 120, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन पॉजिटिव होता है। तो आप कहोगे कि मेरे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या है, ये पाई बाय थ्री एंड टू पाई बाय थ्री दोनों है, और नहीं लिखना, दोनों के दोनों प्रिंसिपल है। एक मेथड है, आप ऐसे कर सकते, प्रेजेंटेशन की बात है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ठीक है जी। अब दूसरा मेथड देखिए मेरे पास, हाउ टू राइट, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही लगना है जो मैंने आपको बताया, सिर्फ बात है प्रेजेंटेशन की, आपने लिखना कैसे, ठीक है जी। अब देखिए, साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय रूट थ्री बाय टू एंड साइन पाई माइनस एक्स जो है, डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ मैं आपको कह रही हूँ प्रेजेंटेशन में मुझे पता है एक्स की वैल्यू क्या हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे पाई बाय थ्री जो है मेरे पास साइन दैट इज रूट थ्री बाय टू, कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू पाई बाय थ्री, आपने एक्स निकाल दिया ना यहाँ से, वो यहाँ यूज कर दो, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास जो है साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री इज रूट थ्री बाय टू, है ना, चलता है ना मेरे पास, तो यहाँ से क्लियर कट मेरे पास एक्स की वैल्यू टू पाई बाय थ्री। या बच्चे ये करते ही नहीं है, वो सीधा ही वो ये कहते हैं कि हाँ जी एक्स ये हो सकता है एंड मेरे पास जो है एक्स की वैल्यू आपने थीटा निकाला है तो वो पाई माइनस पाई बाय थ्री टू पाई बाय थ्री, सीधा ही लिख देते, एक्स निकल गया वही यहाँ यूज होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, हमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। एक और करें, ये तो पॉजिटिव वाला था, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन एग्जाम जो है नेक्स्ट। अब आप बी एक्टिव, मैं आप लोगों से पूछूंगी, है ना। एग्जाम्पल 19 मेरे पास जो है, टेन एक्स इज माइनस वन बाय रूट थ्री, क्या करें अब इसका, कैसे करें जल्दी जल्दी बताइए, वैल्यू जो है पीरियड ऑफ होने वाला, एनीबडी फ्रॉम यू, ओके दिव्यांशी, यस बेटा, हाँ जी बेटा, मैम जो पाई बाय सिक्स होती है उसकी वैल्यू वन बाय रूट थ्री होती है, तो अगर हम टेन पाई माइनस पाई बाय सिक्स लिखेंगे तो वो आएगा माइनस टेन पाई बाय सिक्स और वो वन माइनस वन बाय रूट थ्री के इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद tan 2 pi minus pi by 6 जो है वो भी minus tan pi by 6 और minus 1 by root 3 के equal होगा, तो फिर यहाँ से हमारे पास two values आएंगे, pi by 6 और 11 pi by 6। बिल्कुल correct है बेटा, देखिए tan negative है, tan negative कौन कौन से quadrant में होता है, एक second में, एक मेरे पास fourth में, tan इसी में negative होता है। अगर मैं negative को छोड़ दूँ, वन बाय रूट थ्री टेन की वैल्यू होती है पाई बाय सिक्स पे, मतलब मैंने एक्स निकाल लिया, ये किस पे, नेगेटिव नहीं देखा, अब मुझे यहाँ पर नेगेटिव चाहिए तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखिए क्योंकि मैं नेगेटिव अंदर नहीं लेके जा सकती, यहाँ पर मैं टेन माइनस थीटा नहीं लिख सकती क्योंकि मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जीरो से लेकर टू पाई तक आंसर देना, मैंने नेगेटिव नहीं कोई एंगल देना, ठीक है ना। तो उसकी वजह से मैंने, अगर आप ये देखिए, मैं पहले इसको ऐसे लिख लिया, ऐसे लिखा वन बाय रूट थ्री को पाई बाय सिक्स, अब मैं इसको टेन पाई क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पीछे जाऊंगी, पाई माइनस पाई बाय सिक्स भी लिख सकती हूँ एंड टेन टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स भी लिख सकती हूँ, देख लीजिए, क्योंकि इसका भी आंसर माइनस टेन पाई बाय सिक्स आएगा, इसका भी आंसर माइनस टेन पाई बाय सिक्स, ये प्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं। इसका सॉल्व किया तो टेन फाइव पाई बाय सिक्स एंड
इसका किया तो tan 11 पाई बाय 6। तो अब कंपेयर करें, यहां तो tan x ही है ना, मुझे ये सबसे इजी लगता है ऐसे रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। देखिए कोई सेपरेट नहीं करना पड़ता, कोई कुछ नहीं, सबको क्लियर हो गया बेटा। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी प्लीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपका होमवर्क है बेटा, देखिए जो आप ट्राई करोगे, योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 3.4 1 2 3 4। ओके, एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट फोर क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आप